हाय गाइस, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल फेथ क्यून में। और आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास को जानेंगे और उनके कालक्रम को जानने की कोशिश करेंगे कि उनको कितने कालों में बांटा गया है। ये सबसे ज़्यादा सर्वप्रचलित काल विभाजन है जो हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। काल को, हिंदी साहित्य के इतिहास के काल को 3 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। आदिकाल 700 से 1400 ईसा तक, मध्यकाल 1400 से 1700 ईसा तक और आधुनिक काल 1950 से अब तक, जिसमें आदिकाल में कोई विभाजन नहीं, जबकि मध्यकाल में 2 विभाजन हैं। एक है भक्ति काल और रीति काल, जो है 1400 से 1700 ईसा तक, और रीति काल जो है 1700 से 1850 तक। अब आते हैं आधुनिक काल में, जो 1950 से अब तक है। ये आधुनिक काल में 1850 से, ये थोड़ा प्रिंटिंग की गलती है, 1850 से अब तक आएगा, क्योंकि भारतेंदु युग 1850 से 1900 तक है। फिर आता है द्विवेदी युग 1900 से 1910 तक। फिर आता है छायावादी युग 1918 से 1936 तक। प्रयोगवाद और प्रगतिवादी युग 1939 से 53 तक। और नई कविता नवलेखन युग आता है 1953 से अब तक, मतलब 2022 तक। तो आई होप सो, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि आप इससे जुड़े कोई भी डायग्राम के थ्रू समझना चाहते हैं तो मैं यदि वीडियो आगे बनाऊँ तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। कमेंट में हमारे अपना कमेंट जरूर दें ताकि मैं आपको समझ पाऊँ। थैंक यू।